दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का तेवर, कई इलाकों में हुई तेज बारिश। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, तेज बारिश की वजह से यातायात प्रभावित। दिल्ली के जंतर मंतर इलाके से आई तस्वीरें, तेज हवाओं और बारिश के बीच छाया घना अंधेरा। दिल्ली के इंडिया गेट पर बारिश की वजह से छाया अंधेरा, गर्मी से निजात मिली तो मस्ती करते नजर आए लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह से हो रही है बारिश, सड़कों पर आवाजाही में कमी दर्ज की गई। जयपुर में सुबह से तेज हवा के साथ हो रही है बारिश, बादल घिरने की वजह से छाया अंधेरा। राजस्थान के टोंक में शुक्रवार को बारिश के साथ तूफान का कहर, अलग अलग जगहों पर 12 लोगों की मौत। चमोली में खराब मौसम की वजह से रोकी गई श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा, मौसम साफ होने पर फिर शुरू होगी यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया नई संसद का वीडियो, पीएम ने लोगों से भी इसे शेयर करने की अपील की। नई संसद के 1 मिनट 48 सेकंड के वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा की झलक, नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। नई संसद के लोकसभा हॉल में थम चक्र के नीचे स्पीकर का आसन, बाईं तरफ प्रधानमंत्री के बैठने की जगह। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था, कालीन और डेस्क पर बना मोर पंख का डिजाइन। नई संसद के राज्यसभा हॉल में 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम, सदन की हर सीट पर लगाई गई है स्क्रीन। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत त्रिकोण आकार में बना संसद भवन, बायोमेट्रिक से होगी भवन में एंट्री। नए संसद भवन में पीएम ब्लॉक अलग होगा, कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों के लिए अपना कमरा, 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था अलग से बनाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर नई संसद की तारीफ की, कहा लिखा देर से ही सही लेकिन बनी जबरदस्त संसद। 28 मई को नई संसद में स्थापित होगी सिंगोल, राजदंड स्थापना से पहले दिल्ली के मलई मंदिर में 40 अधिनियम ने की पूजा। नई संसद में सिंगोल को लगाना तमिलनाडु के लिए गर्व की बात, एचडीए परमचार्य स्वामिकल का बयान। नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से आज संत और पुजारी आएंगे दिल्ली, 21 अधिनियम चेन्नई से हुए रवाना। कांग्रेस बोली सिंगोल से नहीं हुई सत्ता ट्रांसफर, शाह बोले भारतीय परंपरा से नफरत करती है कांग्रेस। सिंगोल देश की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक, कांग्रेस ने इसे म्यूजियम के अंधेरे कोने में रखा, स्मृति ईरानी का बयान। अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी ने माना सत्ता सौंपने का समय आ गया, सिंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिंगोल को बताया राजतंत्र का प्रतीक, कहा बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं। जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा का ऐलान, 28 मई को संसद के उद्घाटन के फैसले के खिलाफ करेंगे अनशन। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी आरएसएस पर हमला, देश में बढ़ गया है छुआछूत, उनके लिए क्या कर रहे हैं दोनों। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा 3 साल में 3 बार पीएम ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपमान किया। आप सांसद संजय सिंह का बयान, दलित पिछड़े समाज को अछूता मानती है बीजेपी। नई संसद के उद्घाटन विवाद पर पूर्व नौकरशाहों ने खुला खत लिखकर विपक्ष पर निशाना साधा, बहिष्कार को अलोकतांत्रिक और आधारहीन बताया। ब्यूरोक्रेसी, सेना और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला खत लिखा, बहिष्कार करने वालों को समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे लोकतंत्र की आत्मा को चूस रहे हैं, कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विपक्ष से अपील, बहिष्कार के फैसले पर फिर करें विचार, राजनीति करने के कई अवसर आते हैं। विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, कहा ये राजवंश से चलने वाली पार्टियां संविधान का कर रहे अपमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का निशाना, राजनीति की भी कोई सीमा होनी चाहिए, विपक्ष को पीएम मोदी से दिक्कत, इसलिए नई संसद का विरोध। विपक्ष को पीएम मोदी से दिक्कत की बात कहते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने भी निशाना साधा, साथ ही नवनीत राणा का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी यही कहा कि विपक्ष को पीएम मोदी से है दिक्कत। नए संसद के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई, कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा ऐसी याचिकाएं देखना हमारा काम नहीं। नई संसद उद्घाटन के मौके पर जारी होगा कॉइन, वित्त मंत्रालय जारी करेगा 75 रुपए का सिक्का। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे होगी नीति आयोग की बैठक, विकसित भारत एट 2047 होगी बैठक की थीम। सीएम केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, पीएम मोदी को पत्र लिखकर सहकारी संघवाद को मजाक बताया। तेलंगाना सीएम ने भी नीति आयोग की बैठक से बनाई दूरी, मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और भगवंत मान भी नहीं करेंगे शिरकत, कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम होंगे शामिल। सीएम बघेल का केंद्र सरकार से सवाल, पहले केंद्र की होती थी योजनाएं, अब होती हैं 50-50%, फिर केंद्र क्यों तय करे ना। पीएम मोदी की सरकार के 9 साल पूरे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे केंद्र सरकार की उपलब्धियां। जेपी नड्डा आने वाले दिनों में बीजेपी के प्लान की देंगे जानकारी, देश भर में आयोजित की जाएगी 45 से 55 बड़ी रैलियां, आधा दर्जन रैलियों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव में होंगे शामिल, उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल हुए पूरे, जनता का पीएम मोदी पर बरकरार है विश्वास। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस करेगी देश के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन सरकार की नाकामी का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, जयराम रमेश ने कहा पीएम कब तोड़ेंगे चुप्पी। कांग्रेस ने पीएम मोदी से चीन हटाने, किसान, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे, आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज, बोले 9 साल का हिसाब दें, पहले का रोना मत रोएं। कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक, 9 सालों में लोगों को झेलनी पड़ी महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही वाले फैसलों की मार। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा 9 सालों में मोदी सरकार का प्रचार, पीआर और जुमलों का व्यापार बढ़ा। कांग्रेस के 9 सवाल पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस ने पंचतत्व के सभी 5 तत्वों में किया भ्रष्टाचार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा निर्यात बढ़कर 2 गुना हुआ, अर्थव्यवस्था हो रही है क्लीन। कर्नाटक में सिद्धरमैया के कैबिनेट का आज होगा विस्तार, सुबह 12:15 बजे 24 मंत्री लेंगे पद की शपथ। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल में कौन होगा ये कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया का अधिकार, रणदीप सुरजेवाला का बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हैदराबाद दौरा आज, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम के चंद्रशेखर राव से मांगेंगे समर्थन। केजरीवाल सुबह 11 बजे होंगे हैदराबाद के लिए रवाना, दिल्ली के मंत्री आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मुलाकात में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते पीएम मोदी, लोग न्याय के लिए कहां जाएं, केंद्र के अध्यादेश को लेकर केजरीवाल ने निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल को मिला जेडीयू का साथ, ललन सिंह बोले संवैधानिक पीठ के फैसले को केंद्र ने बदला। केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस से लगा झटका, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शुक्रवार को नहीं मिला मुलाकात का वक्त। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया केजरीवाल ने मांगा औपचारिक समर्थन, इसी पर चर्चा करने के बाद लेंगे फैसला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी मेदिनीपुर में एगरा का दौरा, अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की वजह से लेंगी जायजा। सीएम ममता बनर्जी धमाके में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, ब्लास्ट में 12 लोगों की हुई थी मौत, बीजेपी की ने है एनआईए जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल, दिल्ली में दोनों के बीच हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस, 2 और 3 जून को होगी बैठक, सभी जिलों के प्रमुख नेता रहेंगे शामिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज नागपुर दौरा, तेजाबाद शरीफ में 7:00 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि, शांतिवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शांतिवन पहुंचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया याद, पुण्यतिथि पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कृष्ण जन्मभूमि मामले की अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष की मांग मंजूर, जिला जज के सारे केस की लिस्ट भी मांगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातनी अब लड़ेंगे मथुरा की लड़ाई, भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान कराकर ही लेंगे दम। बाबा बागेश्वर ने कहा भगवान बालाजी ने मथुरा वाली उनकी अर्जी कबूल की, भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। सूरत में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई, कहा सब लोग साथ हो जाएं तो भारत या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सूरत की धरती पर बागेश्वर ने ललकारा, कहा संतों को छोड़कर कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में राज्य मंत्री बीरबाहा हांसदा के काफिले पर हमला, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बीरबाहा हांसदा ने कहा जो हुआ उसका जवाब हम कुर्मी समुदाय के हर एक नेता से लेंगे। बीरबाहा हांसदा ने कहा मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है, मुझे भी शीशे के कुछ हिस्से लगे हैं। बुलंदशहर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैला रहे लोगों पर कार्रवाई की, लाउडस्पीकर भी उतरवाए गए। मानकों के विपरीत ध्वनि प्रदूषण फैला रहे लोगों पर दर्ज हुई FIR, 3 धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं पर 30 आवास में अजान और आरती कराने पर केस। लखनऊ के चौक इलाके में मस्जिद के ऊपर लगे लाउडस्पीकर हटाने के लिए पुलिस ने निर्देश जारी किए, मस्जिद समिति से जुड़े लोगों ने स्पीकर हटवाए। नियमों के तहत की गई कार्रवाई, गाइडलाइन के हिसाब से लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम करवाया गया। लखनऊ में सीएम आवास और राजभवन के करीब संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा, पुलिस मामले की जांच में जुटी, दोनों ही आवास नो फ्लाइंग जोन है। जांच में पता चला कि एक युवक जो खुद को फोटोग्राफर बता रहा है पास के एक अपार्टमेंट से ड्रोन उड़ रहा था, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज कुश्ती महासंघ के चीफ बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई, अदालत की निगरानी में जांच की मांग। दिल्ली पुलिस आज बृजभूषण सिंह के खिलाफ हुई अब तक की जांच रिपोर्ट करेगी दाखिल, बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी, क्राइम ब्रांच की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर 12 बजे कोर्ट में करेगी पेश।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की मांग। सनलाइट कॉलोनी में हुई फायरिंग मामले में पूछताछ के लिए मांगी गई रिमांड। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का आज मणिपुर दौरा, राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। मेरठ में नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में AIMIM के पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मारपीट, बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। वंदे मातरम पर सीट से खड़े न होने पर मारपीट का आरोप, मौके पर जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने बहुत मुश्किल से हालात को काबू में किया, CCSU में चल रहा था शपथ ग्रहण समारोह। कानपुर में सिद्धनाथ घाट पर कुछ बच्चे गंगा नदी में डूबे, स्थानीय लोगों ने नदी से बाहर निकाला। 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 की हालत गंभीर। गाजियाबाद में एक शख्स खाने में थूकता नजर आया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, शख्स को हिरासत में लेकर जांच जारी। मथुरा में साधु की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, लूट के इरादे से वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों से 40,000 रुपए, मोबाइल फोन बरामद, असलहा और कारतूस भी बरामद। आतंकी फंडिंग मामले में NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, JKLF प्रमुख यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग। ज्ञान वापी के ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में टली सुनवाई, 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, अतीक अशरफ और उसके परिवार के सदस्यों को बनाया गया आरोपी। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम समेत कई शूटर्स के नाम दर्ज, आरोपियों पर SC ST एक्ट में धाराएं बढ़ाई गई। सैम डिसूजा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं, जांच में शामिल होने के निर्देश दिए, अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाने को कहा। अबू सलीम के भतीजे आरिफ को SOG ने किया गिरफ्तार, फर्जी डॉक्यूमेंट से जमीन कब्जाने और रंगदारी मांगने का आरोप। राहुल गांधी को मिला नया पासपोर्ट बनाने का की इजाजत, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 3 साल के लिए दी NOC। सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट से CBI जांच के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार, 10 जुलाई को अगली सुनवाई। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, खबर को देखते हुए खराब हेल्थ के चलते 6 हफ्ते की सशर्त जमानत दी गई। बिना कोर्ट की इजाजत के दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे सत्येंद्र जैन, मीडिया से बात करने पर भी पाबंदी, 11 जुलाई को अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कस्टम विभाग की कार्रवाई, 1500 करोड़ रुपए की ड्रग्स नष्ट की। इंदौर में मुस्लिम लड़की से दोस्ती के आरोप में हिंदू लड़के पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार, 7 लोगों पर केस दर्ज। पत्नी के साथ मुंबई के अंबेडकर स्मारक पहुंचे समीर वांगखेड़े, कहा हर संकट में बाबा साहिब से लेता हूं प्रेरणा। टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी एक कार, 1 पुरुष समेत 4 महिलाओं की मौत, बचाव और तलाशी अभियान जारी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना एक महत्वपूर्ण अवसर है, ये हमारी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, पेट्रोल और डीजल वाली कार में नहीं बैठेंगे। गडकरी ने लोगों से की अपील, सभी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, बोले वो काफी फायदेमंद है। महेंद्रगढ़ में बोले हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर, IMT के बारे में खुराना से लोगों से हुई बातचीत सहमति बन गई है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा 1600 एकड़ जमीन हम लेंगे, जिसमें से 1300 एकड़ पर प्लॉट बनाए जाएंगे और 300 एकड़ रास्तों में जाएगा, इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। गुजरात के नर्मदा पहुंचे विदेश मंत्री SJ शंकर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का भूमि पूजन किया। विदेश मंत्री SJ शंकर ने कहा, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी का बहुत गहरा संबंध है, इसे अगर हम और मजबूत करें तो आगे बढ़ने के कदम आसान हो जाएंगे। गुजरात के केवड़िया पहुंचे विदेश मंत्री SJ शंकर, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, आज भारत की साख फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में है, दुनिया हमारी प्रशंसा करता है। 30 मई को भारत आएंगे कंबोडिया के राजा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और PM मोदी से करेंगे मुलाकात। कानपुर एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का उद्घाटन, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, देश विदेश में हो रही प्रदेश की पहचान। UP के CM योगी का बयान, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उतना ही होगा विकास। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब राशन की दुकानों पर मिलेगा रोजमर्रा का जरूरी सामान। अखिलेश यादव ने मेधावी बच्चों का बढ़ाया हौसला, बच्चों को लैपटॉप गिफ्ट किया। श्रीनगर में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को लेकर टास्क फोर्स की दूसरी बैठक, विक्रम मिश्री ने की अध्यक्षता। नागपुर में जू पर भीषण गर्मी का असर, जानवरों को बचाने के लिए पिंजरों में लगाए गए कूलर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा में गंगा दशहरा पर्व महाआरती में शामिल हुए, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे US रक्षा मंत्री ऑस्टिन, राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के निप्रो पर रूसी सेना का हमला, 1 शख्स की मौत, 2 बच्चे सहित 16 लोग जख्मी। रूसी सेना ने निप्रो के एक अस्पताल को बनाया निशाना, निप्रो की पुलिस ने हमले के बाद का वीडियो किया जारी। रूसी हमले में कई इमारतों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, निप्रो पुलिस ने घायल नागरिकों का रेस्क्यू किया। मेक्सिको के पोपो ज्वालामुखी से गैस और राख का निकलना जारी, स्कूलों में की गई छुट्टी, सेना अलर्ट पर रखी गई। जापान के टोक्यो में भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.1 मापी गई। जर्मनी के मंदी की चपेट में आने के बाद सिंगापुर में पैनिक, तकनीकी मंदी आने की आशंका। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई, 6 अरब 5 करोड़ डॉलर की कमी आई।
विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 48 करोड़ पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किया 19 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। चावल की सरकारी खरीद 5 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंची। 1 करोड़ 12 लाख किसानों को 1,60,000 करोड़ का एमएसपी दिया गया। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए मुकेश अंबानी। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 28 व 17 यूएई में होगा। गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ानें 30 मई तक रद्द। ऑपरेशनल कारणों का दिया गया हवाला। आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच टक्कर होगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को भिड़ंत होगी। आईपीएल के क्वालिफायर 2 में मुंबई को 62 रन से हराकर गुजरात टाइटंस फिनाले में पहुंची। लगातार दूसरे साल जीत की। 234 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 171 रन पर ऑल आउट हुई। फ्लॉप रही मुंबई के टॉप ऑर्डर। गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के बीच 54 रनों की पार्टनरशिप हुई। साहा 18 रन बनाकर आउट हुए। साहा के आउट होने के बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने संभाली पारी। गिल ने जड़ी सेंचुरी। साई सुदर्शन ने 43 रन बनाए। फैफ डुप्लेसी से शुभमन गिल ने छीनी ऑरेंज कैप। मुंबई के खिलाफ शतक जड़कर आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। प्लेऑफ मुकाबले में शुभमन गिल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। रिद्धिमान साहा का रिकॉर्ड तोड़ा। शुभमन गिल आईपीएल के एक सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। विराट कोहली टॉप पर बरकरार। गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या ने तेजी से बनाए रन। अंतिम ओवर में साई सुदर्शन हुए रिटायर्ड आउट। राशिद खान बैटिंग करने आए। मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने जमकर लुटाए रन। सिर्फ पीयूष चावला और आकाश मधवाल को मिला एक एक विकेट। खिलाड़ियों की चोट से मुंबई इंडियंस को हुआ नुकसान। चोट की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आए ईशान किशन। 235 रनों का टारगेट चेज करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुंबई के दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और निहल वडेरा सस्ते में निपटे। सूर्य कुमार यादव और कैमरन ग्रीन ने संभाली मुंबई की पारी। सूर्य कुमार यादव 61 और ग्रीन ने 30 रन बनाए। मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने तेजी से रन बनाए। 14 बॉल में 43 गेंदों की पारी खेली। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई के बल्लेबाज रहे फ्लॉप। 8 बैट्समैन दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। गुजरात टाइटंस के लिए मोहित शर्मा ने भी घातक गेंदबाजी की। 10 रन देकर 5 विकेट झटके। शामी और राशिद खान को 2-2 विकेट मिले। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता को मिलेंगे फुल हलाक डॉलर। आईसीसी ने ऐलान किया। गुजरात टाइटंस ने रचा इतिहास। लगातार 2 सीजन आईपीएल के फाइनल में एंट्री करने वाली तीसरी टीम बनी। FIH हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता में बेल्जियम ने भारत को 1-2 से हराया। ग्रेट ब्रिटेन से आज होगा दूसरा मुकाबला। मलेशिया मास्टर्स में भारत के सिंधु प्रणय जीते सेमीफाइनल में एंट्री। श्रीकांत हारकर बाहर हुए। अबुधाबी में आईएफए 2023 में होस्ट करने पर बोले अभिनेता अभिषेक बच्चन, मुझे ज्यादा घबराहट नहीं है क्योंकि मैं और विकी कौशल 2 से 3 हफ्तों से अभ्यास कर रहे थे। अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ी बनाने पर कहा, सही स्क्रिप्ट का है इंतजार जो दर्शकों को एक यादगार अनुभव दे सके। अबुधाबी पहुंचे एक्टर विजय वर्मा आईफा अवार्ड में होंगे शामिल। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के ट्रेलर पर सियासी बवाल। फिल्म निर्देशक को बंगाल पुलिस का लीगल नोटिस। बंगाल पुलिस के नोटिस से डरे डायरेक्टर सनोज मिश्रा। कहा, पुलिस जेल भेजकर कुछ भी कर सकती है, हो सकता है मैं वापस ना लौटूं। पाकिस्तान के कराची में फैशन शो का आयोजन। इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड लेदर एग्जीबिशन के दौरान टॉप डिजाइनर्स ने शोकेस किया अपना कलेक्शन। गर्लफ्रेंड निधि के साथ नजर आए क्रिकेटर पृथ्वी शॉ। काले रंग की जैकेट और टोपी पहने हुए क्लिक करवाए फोटो। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पत्नी नताशा और भाई क्रुणाल के साथ डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों के बीच वायरल हुआ वीडियो। भारत पाकिस्तान बंटवारे में बिछड़े भाई बहन 75 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर में मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बहुत इमोशनल नजर आए। सलमान खान अपने भतीजे को घुमाते आए नजर, वीडियो शेयर किया। साथ ही मजेदार कॉमेंट्स आने शुरू हुए।